अरे बेटा आ गई तू? हाँ जी पापा। चल पौधों को पानी देने में मेरी मदद कर। अरे नहीं नहीं पापा, आप करो ये सब काम, मैं नहीं कर रही। अरे क्या नहीं नहीं, कभी तो घर के कामों में हमारी मदद कर दिया कर, वैसे तो घर में कोई काम नहीं करती है। और अब तेरे पापा ने ये छोटा सा काम बोला, तूने फट से मना कर दिया। हाँ बेटा, इसी बहाने तेरे साथ कुछ समय बिताने का मौका तो मिलेगा, वरना तुझे तो अपने दोस्तों से फुर्सत ही नहीं है। अब खड़ी सोच के रही है, आजा चल, पापा बुला रहे हैं। तुझे पता है ये पेड़ पौधे हमारे लिए कितना जरूरी है? ये ना हो ना तो हम एक सेकंड भी सांस भी नहीं ले सकते। पापा आप रोज रोज इन पौधों को पानी क्यों देते हो? कोई फायदा नहीं है ये सब करके, आप बस अपना टाइम वेस्ट करते हो। अरे नहीं बेटा, अगर पौधों को पानी नहीं देंगे तो इनकी ग्रोथ कैसे होगी, और बिना पानी के तो ये सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे, बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। नहीं मम्मी, मैं नहीं मानती इन सब बातों को। अब कौन करे इतनी मेहनत, पहले पौधे लगाओ, फिर पानी दो, ना फिर उनका ध्यान रखो, मैं तो नहीं कर सकती ये सब ड्रामे। अरे बेटा, अगर आज हम इनके पीछे मेहनत करेंगे तभी तो ये बाद में हमारे काम आएंगे। क्या बकवास बात है मम्मी, हम क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें इनके पीछे? अरे बेटा तू भी ना, अगर आज हम इन पेड़ पौधों का ध्यान रखेंगे ना तो बड़े होकर ना ये हमें छाया देंगे, फल देंगे और ऑक्सीजन देंगे, और तुझे तो पता ही है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना जरूरी है, और अगर ये ना हो ना तो हमारा जीवन अधूरा है। अच्छा पापा, ये पौधे बड़े होकर हमें इतना सब कुछ देंगे? हाँ बेटा। तो पापा, दादा दादी को भी तो आपसे ऐसी उम्मीद थी ना। आप जब इन बेजवान पौधों से इतनी उम्मीद लगाए बैठे हो कि बड़े होकर आपको फल सब्जी छाया ऑक्सीजन सब कुछ देंगे, लेकिन दादा दादी ने तो अपने जीवन की सारी कमाई आपके ऊपर खर्च कर दी। तो पागल हो गई है क्या बोल रही है ये सब? मैं एकदम ठीक बोल रही हूँ मम्मी, ये सब ना हमारे लाड़ प्यार का नतीजा है जो ये इतनी बिगड़ गई है। लेकिन बस अब और नहीं, एकदम चुप हो जा और अंदर जा, खबरदार जो एक शब्द और बोला तो। आप कुछ क्यों नहीं बोलते पापा? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी, आप कुछ क्यों बोलोगे मम्मी को? आप तो मम्मी को उनकी गलतियों पर भी नहीं टोकते, आप तो बेस्ट हस्बैंड हो ना। लेकिन अफसोस पापा, बेस्ट हस्बैंड तो हो लेकिन आप एक बेस्ट बेटा नहीं बन पाए। बेस्ट बेटा तो छोड़ो पापा, आप एक बेटा ही नहीं बन पाए। पागल हो गई है, है? दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे देखो तो, कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही है। ये सब ना तेरी संगत का असर है, मुझे पता है तेरे दोस्त तुझे क्या क्या सिखाते हैं। कौन है वो तेरे दोस्त हा? जो तुझे ऐसा सिखाते हैं तो अपने माँ बाप के मुँह लगे, उन्हें उल्टा सीधा बोले उनके साथ? नहीं पापा, मैं मेरे दोस्तों की कोई गलती नहीं है, बच्चा अपने परिवार से ही सीखता है और मैंने भी अपने परिवार से ही सीखा है। दादा दादी ने आपको कामयाब बनाने के लिए अपनी सारी खुशियां सेक्रीफाइस कर दी, यहाँ तक कि अपना बिजनेस भी आपको दिया, और तो और अपनी प्रॉपर्टी भी जो उन्होंने मेहनत से बनाई थी वो आपके नाम करी, लेकिन आपने क्या किया, उनको घर से बाहर निकाल दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम गलत बोल रही हो, वो अपनी मर्जी से घर से गए हैं। बस करो मम्मी, और कितना झूठ बोलोगी आप, मुझे सब पता है क्या सच है और क्या झूठ। आखिर कौन माँ बाप इस उम्र में अपने घर को छोड़कर, अपना हंसता खेलता परिवार छोड़कर ओल्ड एज होम में जाता है? मुझे ये भी पता है आप दोनों ने मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाले। तू सही कह रही है बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी बेटा आज। आप जितना उम्मीद इन पेड़ पौधों से लगा रहे ना पापा, उतनी उम्मीद दादा दादी को आपसे थी कि बुढ़ापे में आप उनका सहारा बनेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उनका ध्यान रखेंगे। लेकिन आपने क्या किया, अपना मतलब देखते हुए, अपनी प्रॉपर्टी का मतलब पूरा होते हुए उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उनका ख्याल कौन रखेगा, वो कैसे रहेंगे और कहाँ रहेंगे। तू बिल्कुल ठीक बोल रही है बेटा, हमसे ना बहुत बड़ी गलती हुई है, हम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए थे कि हमें सही गलत में फ़र्क करना ही नहीं आया, हमें माफ़ कर दे। माफ़ कर दे बेटा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है पापा, आप लोगों को जो करना था वो तो आप लोग कर चुके हैं। हाँ हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन हम अपनी गलती को सुधारेंगे, हम आज ही जाएंगे और माँ बाबू जी को घर लेकर आएंगे। हाँ बेटा, अब हम सब उनके साथ रहेंगे, उनका पूरा ख्याल रखेंगे, उन्हें किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने देंगे बेटा, माफ़ कर दे बेटा। चलो कम से कम आप लोगों को अपनी गलती का एहसास तो हुआ कि आप लोग कितना गलत कर रहे थे। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि ऐसा किसी को भी अपने माँ बाप के साथ नहीं करना चाहिए। माँ बाप अपनी औलाद को बड़े प्यार से बड़ा करता है, उसको लेकर बड़े बड़े सपने देखता है, और बच्चों को कोई हक नहीं है कि उनके साथ गलत करे। ठीक कह रही है बेटा, हमें माफ़ कर दे बेटा, फिर से ऐसा हम कभी नहीं करेंगे बेटा, चले चलो। अभी जो आपने वीडियो देखी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज है, तो इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड के साथ और फैमिली के साथ और उन सभी के साथ शेयर कीजिए जिनको आप ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। जल्दी से शेयर कीजिए, आपका एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन होता है ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोज़ में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं अच्छे से मॉडल के साथ, ताकि हमारी टीम उस पर जल्दी से वीडियो बना सके और आप तक पहुँचा सके। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए
और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे FB पेज को फॉलो कीजिए। और किसी तरह का भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है या फिर आप कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, और आप कमेंट में एक सुझाव दे सकते हैं कि आपको क्या क्या चेंजेस चाहिए ताकि हमारी टीम उस पर काम कर सके। तो जल्दी से कमेंट भी कीजिए और इस वीडियो को जल्दी शेयर कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।